Hindustan! Azad Hindustan! Jindabad! Azad Hindustan! Jindabad! दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील चसाना में, जहां पर आप देख रहे हैं कि जेके बैंक के बाहर, और अभी की जो टाइमिंग है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सुबह से है वो काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहां पर जो है कि बैंक के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है, और यहां पर जो दूर दराज से लोग आते हैं वो सुबह से शाम तक यहाँ पर इसी तरह खजल रहते हैं, और शाम को वो कभी कभी उनको निराशा हाथ लगती है, इसी तरह से अपनी बैंक कापियां लेकर वापस जाते हैं। और कई बार यहाँ अभी जो बैंक मैनेजर से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कि इस वक्त जो है कि जो नेट सर्विस है बैंक की वो डाउन हो चुकी है। जो लोग सुबह से यहाँ पर लाइन में खड़े थे यहाँ पर, उन लोगों को बहुत परेशानी यहाँ पर। और अभी तक जहाँ पर हमारी सरकार दावा करती है कि हम जो है डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तहसील चसाना में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हमने खुद ही यहाँ पर देखा है अभी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेके बैंक है यहाँ पर, लेकिन अभी तक इस बैंक को एटीएम नहीं मिला है। लेकिन अगर एटीएम की फैसिलिटी यहाँ पर होती है तो इधर बताया गया कि जनरल जो अकाउंट है 40,000 के आसपास यहाँ पर है, और जो नरेगा के अकाउंट है वो तकरीबन 20,000 के आसपास है। इतनी ट्रांसलेशन इस बैंक से होती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को एटीएम अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। यही कोशिश आज इन लोगों के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो लोग यहाँ पर सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन अब इनको जो है शाम के वक्त जो यहाँ इनको एक कैलेंडर हाथ लगा है वही वापस लेकर जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से जो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं। आप अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं तूली बन्ना में रहता हूँ। लास्ट पिछड़ा हुआ इलाका है बहुत, वहाँ से हम पैदल 4-5 बजे अगर निकलते हैं तो 11-12 बजे यहाँ पहुँचते हैं। उसके बावजूद जब यहाँ लाइन हमारे से पहले ही लाइन होती है, हम लास्ट लाइन के लास्ट में आ जाते हैं, तो जब 4-5 बजते हैं तो फिर खाली जब 3-4 चक्कर लगाएंगे तो फिर हम वापस यहाँ घर जाएंगे। सर, यहाँ स्टाफ की बहुत किल्लत है, और स्टाफ की किल्लत की वजह से सर हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप सुबह आए थे, कितने पैसे निकालने थे आपको? सर, हमने इस वक्त हमें 5,000 रुपया निकालना था, लेकिन अभी इस वक्त जब आप सुबह से आए अभी तक आप लाइन में लगे, लेकिन अभी क्या इश्यू आ रहा है? अभी सर यहाँ उनका सिस्टम बोल रहे हैं, हमारे ये जो बैंक का सिस्टम है वो बंद हो गया है। अब तीसरे दिन में आए थे, तीसरे दिन भी अब मैं खाली जा रहा हूँ, और यहाँ आप देखते ही हैं क्या, मैं आपको पहले भी देख रहा हूँ, जो आदमी वाकफियत में है वो तो जा रहे हैं, उनका काम हो रहा है, हम जो गरीब जनता है उसका साथ बहुत बुरी हालात है। यार, हमारी सरकार से ये अपील है, या तो हमें सरकार एक ब्रांच बैंक तूली में बनना में कहीं वहाँ दे दे तो हमारे लिए, हम वो सरकार की नेकी कभी मुका नहीं सकते, या तो सर हमारे लिए एटीएम की कोई सहूलत कर दे। सर, हमें बहुत प्रॉब्लम है, एटीएम तो यहाँ है नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ जो बैंक मैनेजर ने कहा कि यहाँ तकरीबन 35 पंचायतों से लोग आते हैं, एक ही जगह जो यहाँ पर बैंक है वो एक ही ब्रांच, वो भी यहाँ पर चसाना में है, बाकी यहाँ पे आपको कोई बैंक नहीं मिलेगा। जेके बैंक के अलावा पूरे इस जो हमारा पीर पंचाल एरिया है इसमें बहुत ज्यादा बैंकों की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जो है जेके बैंक अगर बड़े बड़े दावे करता है, लोगों को कैलेंडर मुहैया करते हैं, लेकिन अभी तक जो है लोगों को यहाँ पर एटीएम की फैसिलिटी मौजूद नहीं। लेकिन अभी जो इनकी सर्विस है उस पर बात यहाँ पर आ रही, जो लोग सुबह से यहाँ पर लाइनों में खड़े थे, आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, जो हमारे बैक साइड में जो लोग खड़े हैं वो भी है, आज पैसे निकालने के लिए आए, लेकिन ये भी कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि हमें 3 दिन से अभी तक नंबर नहीं लगा है कि हम भी अपना जो पैसा वो निकाल सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ यहाँ से खरीद सकें, लेकिन इनका जो है अभी तक यहाँ पे कोई मसला हुआ नहीं है। करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी 28 पंचायतें हैं, तो 28 पंचायतों में एक ही बैंक है, तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि एक दो बैंक और दिए जाएं, एटीएम दिया जाए, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत ही सहूलियत हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा इसकी तरफ तवज्जो दे, और यहाँ के आकर यहाँ के लोगों की हालत देखे कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, और बैंक वाले भी अपनी जगह मजबूर हैं, वो काम कर रहे हैं, हम उनके लिए भी नहीं बोलेंगे वो काम नहीं करते हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं अपनी। एक ही बैंक है, 28 पंचायतें हैं, उसकी आबादी देखो कितनी बड़ी है, लिहाजा इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें दो बैंक, कम से कम दो बैंक, एक दिया जाए चकखलूर में और दूसरा सुंगड़ी में, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए, और एक एटीएम दिया जाए। मैं इसी